हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th स्टैंडर्ड का जो साइंस चैप्टर है 11th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मिरर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या है वो पढ़ेंगे। जैसे कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, प्लेन मिरर्स हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इज स्पेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फाउंड बाय देम। अब स्पेरिकल मिरर्स क्या है? स्पेरिकल मिरर्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं, वो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। तो उससे कौन से इमेजेस फॉर्म होते हैं ये पढ़ने वाले, और मैग्नीफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स के वजह से कैसे मैग्नीफिकेशन आ रहे। मैग्नीफिकेशन मतलब उसका चेंजेस क्या है। मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ा इमेज, तो मैग्नीफिकेशन मतलब चेंज, कौन से टाइप के चेंजेस हो रहे ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लेसन में फर्स्ट है कैन यू रिकॉल, लेकिन ये पार्ट कट है रिड्यूस सिलेबस में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर से डायरेक्टली। तो यहाँ पे कैन यू टेल पूछा है व्हाट इज़ अ मिरर, मिरर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कैन यू टेल में पूछा है कि व्हाट इज़ अ मिरर, मिरर होता क्या है। तो इसका आंसर नीचे दिया है, देखो वी नीड पॉलिश सर्फेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। वी नीड पॉलिश सर्फेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। This is because polished surface absorb less light and so maximum lights get reflected. तो यहाँ पे बोला है कि जो हम लोग को light reflect करने के लिए, हम लोग को एक reflecting करने के लिए light को क्या चाहिए, polished surface चाहिए, एकदम clean polished चाहिए। क्यों? यहाँ पे reason दिया है कि क्योंकि polished surface जो है ना light कम absorb करते हैं और reflect ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगर suppose ये एक mirror है, अगर ये एक मिरर है तो क्या कर रहा है, अगर लाइट रेस यहाँ पे गिर रहा है और अगर ये पॉलिश सरफेस है तो लाइट एब्जॉर्ब कम हो रहा है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर ये पॉलिश सरफेस है तो लाइट एब्जॉर्ब कम हो रहा है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए पॉलिश सरफेस लिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। अगर वो पॉलिश ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होगा। और एक क्या रीज़न होगा, यहाँ पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना तो कुछ रूल्स है कि अगर ये साइड से लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा। लेकिन अगर ये क्यों रूल्स है, ये पॉलिश सरफेस, एक मिरर, मिरर क्या एक पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस के लिए ये सब रूल्स है। लेकिन अगर कोई सरफेस पॉलिश नहीं है तो उसमें ना ही प्रॉपर रिफ्लेक्शन आता है और ना ही रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ठीक है, ना ही प्रॉपर टाइप मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ अ मिरर, इन साइंटिफिक लैंग्वेज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स अ क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। तो वो सरफेस साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट क्या है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई और उसी को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, आप लोग शायद अपने आपको मिरर में देखते हो तो मिरर में लाइट इंसिडेंट होता है फिर आपको आपकी शक्ल दिखती है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन है। पानी में भी वाटर रिफ्लेक्शन, जब पानी एकदम स्टिल होता है, एकदम पानी स्टिल होता है, क्लीन होता है, तब भी आपका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे बोला है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में एक मिरर क्या होता है, मिरर एक सिंपली वो चीज़ है, वो सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक क्लियर इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, उसी को मिरर कहते हैं। अ मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, मिरर के टाइप्स, मिरर क्या होता है वही बताया। देखो सेकंड में यहाँ पे ये बताया, वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स इन अवर डेली लाइफ। यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग हमारे डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मिरर्स के टाइप्स यूज़ करते हैं। मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं। मिरर्स क्या होते हैं, आईना, मिरर्स आईना होते हैं जो ग्लास से बना होता है मेनली। ठीक है, मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेरिकल मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर की तरफ पहले पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वो कट हुआ है, तो मैं इसके लिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या, प्लेन मिरर के बारे में क्या दिया है, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। प्लेन मिरर्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आती है। ठीक है,
अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो हम लोग को पता है, जब हम लोग एक मिरर लेते हैं, हम लोग जब मेनली एक मिरर लेते हैं तो क्या होता है, वो एक साइड पे रिफ्लेक्ट होता है। जब सपोज ये मैं मिरर देखूँ इसमें, तो ये साइड रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उसके जो पीछे साइड है एक कोटिंग होती है ये मिरर के। अगर हम लोग कोई भी मिरर के पीछे साइड देखें, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एक पीछे साइड कोटिंग होती है, कोई तो एक चीज़ की कोटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस बात की कोटिंग होती है, तो एक मिरर किससे बना होता है, अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस। कोटिंग द बैक सरफेस, जो पीछे का सरफेस है उसको कोट किया जाता है, उसको कवर किया जाता है विद अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस। एक स्मूथ ग्लास पीस, एक पतले स्मूथ ग्लास पीस के पीछे को कोट किया जाता है। किससे कोट किया जाता है, देखो, रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। फिल्म मतलब एक पतला सा लेयर, एल्यूमिनियम या सिल्वर के पतले से लेयर से कोट किया जाता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट साइड ओपेक, अनदर कोट ऑफ ए सब्सटेंस लाइक लीड ऑक्साइड इज गिवन ओवर इट। तो ये जो कोट किया है, ये जो इन लोग ने कोट किया है एल्यूमिनियम और सिल्वर के फिल्म से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक और टाइप का रिफ्लेक्टिंग फिल्म लगाया जाता है, अब अगर मिरर कैसा होता है, मिरर ट्रांसपेरेंट होता है। अगर कोई भी देखोगे मिरर, अगर एक सिंपल मिरर, पीछे का दो मिरर के दो साइड्स होते हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, तो अगर बैक साइड का कोटिंग नहीं होगा ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पीछे के साइड को कोट किया जाता है। तो पहले एक फिल्म, एक पतली लेयर ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर डाला जाता है और उसको ओपेक, क्या होता है, जहाँ से हम देख ना सकें, उसके आर पार ना देख सकें, और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपेक बनाने के लिए अनदर कोट ऑफ सब्सटेंस लाइक लीड ऑक्साइड, का एक कोट भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के ऊपर था। नीचे नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन हम लोग को ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते, पेज नंबर 116, वहाँ पे क्या दिए, वहाँ पे मेनली तीन डायग्राम्स दिए हुए हैं, डायग्राम नंबर ए, बी और डायग्राम नंबर सी, जो है 11.2 के तीन डायग्राम्स है, ठीक है। तो डायग्राम्स के बेसिस पे कुछ लिखा भी है, वो पढ़ेंगे। तो पहले क्या दिया है, वी सी अ क्लियर इमेज ऑफ अवर सेल्स व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन अवर हाउस। टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, लेट अस फर्स्ट कंसिडर एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग को हमारी क्लियर इमेज दिखाई देती है, कहाँ पे, जब हम लोग एक मिरर, हम लोग के घर के मिरर के सामने खड़े होते हैं, तब हम लोग को हमारी एक इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कि एक इमेज बनता कैसे है, मिरर में इमेज बनता कैसे है, ये समझने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले कंसिडर करेंगे एक इमेज को जो एक पॉइंट सोर्स से बना है। हम लोग जब लाइट के सामने खड़े होते हैं, हम लोग अपने फेस देखने, तो एक इंसिडेंट नहीं रहे होते, बहुत सारे लाइट रेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइट रे नहीं होते, बहुत सारे लाइट रेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि हम लोग एक लाइट रे को कंसिडर करते और कोशिश करते समझने की कि इमेज बनता कैसे, ठीक है। तो लाइट रेज ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सच अ सोर्स, लाइट रेज सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। सेवरल ऑफ रेज फॉल ऑन द मिरर, गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रीच अवर आइज। तो ऐसे हज़ारों रेज, लाइट रेज मिरर पे गिरते और रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों पे गिरते, तब हम लोग को क्लियर इमेज दिखाई देता है। क्या बोला कि अगर यहाँ पे इतने सारे रेज होते घर पे कि वो सारे रिफ्लेक्ट होते और हमारे आँखों तक पहुँचते और एक इमेज फॉर्म करते। ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दिस पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग को ऐसा लगने लगता है, अगर एक मिरर है, मिरर के सामने हम लोग खड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि जो जो इमेज है ना, जो पॉइंट सोर्स है, जो रिफ्लेक्शन है, वो मिरर के पीछे से आ रहा है। हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग को कैसे दिखाई देता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि जो मिरर है ना, मिरर के पीछे से हम लोग को हमारा मतलब इमेज आ रहा है। तो दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम लोग को पूरा समझना है कि प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
एज फिगर 11.2A शोज लाइट रेज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो 11.2 का ए पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे कैसा डायग्राम दिया है, यहाँ पे दिया है कि देखो ये जो ये वाला एरो है ना, ये वाले पार्ट का एरो, ये इंसिडेंट हो रहा है. इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे बहुत ही सिंपल है. ये अगर सपोज हम लोग का मिरर है, तो मिरर पे जो लाइट गिर रही है, जो लाइट गिर रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, कुछ नहीं है इसमें इंसिडेंट रे. किसी किसी को समझता नहीं कि इंसिडेंट रे होता क्या, लेकिन इंसिडेंट रे कुछ नहीं है. अगर मिरर है तो मिरर पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं सॉरी, जो लाइट गिर रही है मिरर पे उसे इंसिडेंट कहते हैं. ये रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, और जो लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट फिर से रिटर्न में आ रही है, अब्जॉर्ब जितना अब्जॉर्ब हो गया और बाकी लाइट जो रिटर्न में आ रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. सिंपल है. तो यहाँ पे देखो डायग्राम ए में क्या दिया है, यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है. तो इसमें इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का डायरेक्शन, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. परपेंडिकुलर पता है, तो इंसिडेंट रे 90 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्ट होके जो रे आ रहा है ना, ये इंसिडेंट रे एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम स्ट्रेट आ रहा है. ठीक है, दोनों में कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे बस ये बताया कि अगर मिरर के सामने इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर जाएगा ना प्लेन मिरर के सामने, तो रिफ्लेक्ट भी होके परपेंडिकुलरली आएगा. ठीक है, यही बोला है उसमें. फिर फिगर 11.2B शोज ए पॉइंट सोर्स. देखो फिगर 11.2B यहाँ पे हम लोग का आए हैं, ये एक मिरर है M1 M2, ओ ऑब्जेक्ट है, O1 इमेज है. ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग क्लियरली. रीड करते हैं फिगर 11.2B. फिगर 11.2B शोज अ पॉइंट सोर्स ओ. ये जो ओ है ना हम लोग का, ये पॉइंट सोर्स है. ये क्या है? ये पॉइंट सोर्स है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. लेकिन देखो इसको, ये जो पॉइंट सोर्स है इसको परपेंडिकुलर नहीं रखा है. हम लोग ने पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर रहा तो ही रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर आएगा. लेकिन देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, वो जो लाइट सोर्स है ऑब्जेक्ट रखा है, वो परपेंडिकुलर नहीं है. तो हम लोग को भूल जाना है कि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, यहाँ पे वो सिर्फ तब यूज़ होता है जब इंसिडेंट रे, मतलब ये अगर परपेंडिकुलर होता तो रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होता. लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अलग ही पॉइंट पे अलग ही एंगल बना रहे हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेस कहीं से तो फॉल हो रही होगी ना इस पे, तब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे बोला है कि पॉइंट सोर्स ओ इज द फ्रंट ऑफ द मिरर. फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर में ओ है. M1 और M2 मिरर का नाम है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है ओ. इंसिडेंट रेस OR1 और OR2. अब देखो OR1 कहाँ है? OR1, OR2 ये इंसिडेंट रेस है. ये क्या है? इंसिडेंट रेस. ये मिरर पे ये रेस गिर रही है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेस जो है मिरर पे R1 और R2 गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं. समझो अच्छे से, ये एक हम लोग का मिरर है. ठीक है, ये क्या है? ये हम लोग का मिरर है. ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने, तो जो लाइट रेस जहाँ से गिर रहे हैं ना, वो ऐसे गिर रहे हैं, R1 और R2 के डायरेक्शन में गिर रहे हैं. ठीक है, तो OR1 और OR2 हम लोग के इंसिडेंट रेस हुए. फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, गेट रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो OR1 और OR2 रिफ्लेक्ट हो रहे कैसे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देखो यहाँ पे वही बोला कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ से रिफ्लेक्ट हो रहा है. अलॉन्ग पाथ, कौन से पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? आर, देखो यहाँ पे दिया R1, S1, R2, S2, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग ये देखो ये पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ऐसा लग रहा है कि ये इमेज पीछे, मिरर के पीछे, देखो मिरर के पीछे से आ रही है. यहाँ पे जो बोलने का मतलब था ना कि हम लोग को ऐसा दिखता है कि लाइट जो इमेज है वो मिरर के पीछे से दिख रही है, तो इसका मतलब ये है. देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर रिफ्लेक्ट हो गई लाइट. लेकिन देखो अगर हम लोग उसके क्या बोलते हैं, उसके लाइट्स को अगर एक डाइवर्ज करें हम लोग पीछे से, तो एक पॉइंट सोर्स ऐसा है जहाँ पे वो दोनों मैच हो रहे, दोनों जॉइंड हो रहे, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे से लाइट रेस आ रहे. ठीक है, तो इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, बस यही था. व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड रेस आर एक्सटेंडेड बिहाइंड, तो जब ये जो रिफ्लेक्टेड हुए रेस है ना, उसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो एक जगह पे मीट करे जो है O1. ठीक है, When seen from E, अगर I हम लोग का आँख यहाँ पे है
और हम लोग अगर ऐसे देख रहे, हम लोग जब आई ये पार्ट से देखने लगे, द रेस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ओवन. तो रेस कहाँ से आने लगते हैं, रेस यहाँ पे आ रही, ये नहीं लग रहा जो ऑब्जेक्ट के पास से रेस आ रहे. देखो ऑब्जेक्ट और आई दोनों लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी इसका ही आ रहा है, इमेज भी इसका आ रहा है. लेकिन हम लोग जब इधर से देख रहे, मिरर को देख रहे, तब हम लोग को लग रहा है कि जो इमेज है ना मिरर के पीछे से आ रहा है. इमेज क्या आ रहा है, मिरर के पीछे से आ रहा है, ठीक है. तो यही बोला है कि व्हेन सीन फ्रॉम ई, जब हम लोग ई से देखते तो ये दोनों को देखो, ये दोनों रे जो रिफ्लेक्टेड रे, अगर हम लोग डाइवर्ज करें उसको एक्सटेंड करें, तो ये पॉइंट पे ओ वन पे मिल रहे. तो हम लोग जब देखेंगे तब हम लोग का ऐसा लग रहा है कि ये जो ओ वन है ना यहाँ से रेस कम आ रहे हैं, ठीक है. अदर रेस स्टार्टिंग फ्रॉम ओ ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ओ वन. तो अगर ऐसे और भी रेस होंगे, यहाँ पे देखो दो ही रेस दिए हैं, आर वन और आर टू, सिर्फ आपको समझने के लिए. लेकिन लाइट ऑफ रेस बहुत होते हैं, सेवरल होते हैं, तो इसलिए अगर और भी रेस यहाँ पे बनाया जाए, सपोज यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, तो भी ये सारे एक जगह पे जाएंगे और एक्सटेंड करेंगे ना, एक ही पॉइंट पे आएगा, वो होगा ओ वन, ठीक है. थस पॉइंट ओ वन इज द इमेज ऑफ पॉइंट ओ. तो इमेज ऑफ पॉइंट ओ कौन सा है, इमेज ऑफ पॉइंट ओ है ओ वन, जो है मिरर के पीछे, ठीक है. यहाँ पे देखो एक ब्लैक में दिया जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट. अब यहाँ पे हम लोग डाइवर्ज एक्सटेंड कर रहे तब ये एक जगह पे मीट कर रहे हैं ना, लेकिन ये एक्चुअली में मीट नहीं करते, एक्चुअली में ये मीट नहीं करते, लेकिन बस ये ऐसा दिख रहा है करके ये बताया है, ये एक्चुअली में मीट नहीं करते. सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप एक मिरर को देख रहे हो, अगर कोई बच्चा मिरर को देखेगा फर्स्ट टाइम तो उसको क्या लगेगा, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी सामने खड़ा है, करेक्ट, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी सामने खड़ा है, मतलब वहाँ से मिरर से लाइट रेस आ रही है. यहाँ पे अगर ये मिरर है, यहाँ पे एक बच्चा है, तो वहाँ से लाइट रेस आ रही है, उसको लग रहा है कि एक डुप्लीकेट कॉपी उसका बच्चा का खड़ा है वहाँ पे, तो वो मिरर के पीछे से इमेज आ रही है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में क्या ये मीट होते, एक्चुअली में ये लाइट रेस मीट नहीं करते. हैंस सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. तो वो इमेज जो मिरर के पीछे फॉर्म होता, वो इमेज जो मिरर के पीछे फॉर्म होता है ऐसा लगे, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. उसे कौन सा इमेज, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द मिरर. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो एम वन और ओ वन का जो डिस्टेंस है वो ओ और एम वन से इक्वल होगा, ठीक है. एम वन और ओ वन का जो डिस्टेंस है, इमेज और मिरर का जो डिस्टेंस है, वो इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होगा, ठीक है. यहाँ पे वही बताया. फिर यहाँ पे देखो थर्ड डायग्राम किसके बेसिस पे, उस पर बताया. इफ़ वी यूज एन एक्सटेंडेड सोर्स इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट सोर्स. तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट सोर्स ले रहे थे, एक ये पॉइंट सोर्स था, एक सोर्स था जिससे दो रिफ्लेक्ट हो रहे थे. लेकिन अगर हम लोग ऐसे पॉइंट सोर्स ना लेके पूरा एक एक्सटेंडेड सोर्स ले, जैसे देखो ये पेंसिल पूरा एक्सटेंडेड है, एक वो छोटा सा ऑब्जेक्ट था, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था ओ, करेक्ट, तो इससे पॉइंट सोर्स आ रहा था. लेकिन ये देखो ये लेंथी ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेंथी ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट सोर्स था, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है. तो अगर हम लोग एक एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट सोर्स, अगर एक पॉइंट सोर्स के बदले एक एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ करते हैं तो क्या होगा, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द सोर्स ऑफ द सोर्स, देयर बाय कमिंग एन एक्सटेंडेड इमेज ऑफ द होल सोर्स. तो जब हम लोग एक एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो उसके सारे पॉइंट सोर्स रिफ्लेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करता है, एक इमेज ऑफ द होल सोर्स. तो पूरे, अब देखो जैसे पी क्यू का इमेज है वैसे पूरा पी वन क्यू वन भी बन गया, ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है, उसके यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, तो सारे रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलर हो गए तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो देखा सेम साइज़ का एक पेंसिल बन गया, पी क्यू का, पी वन क्यू वन सेम साइज़ का बन गया. तो यहाँ पे वही बताया कि देखो thereby as shown in figure 11.2c an extended source PQ, PQ is kept in front of a mirror M1 M2 के सामने PQ एक extended source रखा है, extended object समझ लो. The images of P and Q are formed at, तो जो image of P and Q है वो कहाँ पे form हो रहे, P1 और Q1 पे. Similarly images of all points between P, अब वैसे ही P और Q के बीच में जो भी points के lights हैं वो भी सेम, अगर सपोज यहाँ पे एक लाइट रे है तो उसका रिफ्लेक्शन भी यहीं पे हो रहा है, ठीक है, और इमेज ऐसा फॉर्म हो रहा है, ऐसा लगेगा.
तो इमेजेस ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन पी एंड क्यू आर फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड क्यू पी वन एंड क्यू वन रिजल्टिंग इन द इमेज पी वन क्यू वन ऑफ द एंटायर एक्सटेंडेड सोर्स. तो जैसा हम लोग ने इमेज दिखाया था मिरर के सामने वैसा ही इमेज पीछे फॉर्म हो गया. ठीक है, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर. तो प्लेन मिरर के सामने जो इमेज के रखोगे ना, कोई भी इमेज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखोगे, जितना साइज का होगा उतना ही साइज का वो उसका रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है कैन यू टेल. यहाँ पे कैन यू टेल एक्चुअली कट किया है, तो ये रेड्यूस सिलेबस में, तो ये हम लोग नहीं करेंगे. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. पेज नंबर 117 पे देखो क्या दिया है. द इमेज ऑफ ए वर्ड अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर. द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पॉइंट इटसेल्फ. दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. अब ये जो आंसर है ना, जो हम लोग ने कैन यू टेल मिस किया, जो रेड्यूस सिलेबस में कट किया था, उसका आंसर दिया हुआ है. ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं. कैन यू टेल में क्वेश्चन क्या दिया था, देखो. इफ़ वी होल्ड अ पेज ऑफ अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. अगर एक प्लेन मिरर के सामने एक बुक का पेज रखते हो तो हम लोग को जो इमेज है वो ऐसे दिखेंगे. अगर सपोज बी ऐसा है ना, तो बी ऐसा दिखेगा, डी दिखेगा मिरर के सामने. अगर मिरर के सामने हम लोग ऐसा रख रहे हैं ना, मिरर के सामने, तो बी ऐसा है ना तो उसका डी दिखेगा, सी ऐसा है ना तो वो ऐसा दिखेगा. करेक्ट, ऐसा दिखता है ना, तो उसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. ये पॉइंट भी कट है, बट मैंने बस इसमें लैटरल इन्वर्जन के बारे में बता दिया कि एक इमेज ऑफ ए वर्ड लैटरली इन्वर्टेड दिखता है. लैटरली देखो, लैटरली इन्वर्ट हुआ है, लैटरली इन्वर्ट हुआ है. देखो ये भी लैटरली इन्वर्ट हो गया, तो बस इन्वर्शन होता है, उसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. तो हर वर्ड का जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है एट द सेम डिस्टेंस. हम लोग ने पढ़ा कि जो मिरर का जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. नेक्स्ट देखो, यूज योर ब्रेन पावर. व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ इज द इमेज फॉर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक इंसान को एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा करवा देते हो तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसके नेचर ऑफ द इमेज क्या है. तो हम लोग ने ये सब चीज़ें देखा कि जब हम लोग एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तब क्या होता है. तब प्लेन मिरर के सामने अगर कोई एक्सटेंडेड सोर्स रहा, प्लेन मिरर के सामने क्या, अगर कोई एक्सटेंडेड सोर्स रहा तो इमेज उसका पूरा दिखाई देता है. और इमेज कैसे फॉर्म होता है, हम लोग ने देखा कि यहाँ पे मिरर है और ऐसा लगता है कि वो पीछे से पॉइंट सोर्स है. हम लोग ने डायग्राम पेज नंबर 116 के 11.2B के डायग्राम में देखा कि इमेज कैसा फॉर्म होता है. और नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, सिंपल जैसा है वैसे ही नेचर है उसका. ठीक है, तो ये यूज़ ऑफ ब्रेन पावर, ट्राई दिस, ये सब कट है. ये एक्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. नेक्स्ट पेज पेज नंबर 118 में हम लोग ने पढ़ा था कि मिरर्स दो टाइप्स के होते. देखो यहाँ पे जो है ना, अ प्लेन मिरर एंड द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, ऐसा कुछ दिया है जो लास्ट पेज में दिया था. ठीक है, वो स्टेटमेंट था, उसको प्रूफ करके डायग्राम के साथ बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने वाला, तो इसके लिए मैं ये नहीं करवा रही. स्पेरिकल मिरर पे आ रही हूँ. हम लोग ने पढ़ा था कि मिरर्स के टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और होता है स्पेरिकल मिरर. हम लोग ने दो टाइप्स के मिरर होते हैं वो पहले ही पढ़ चुके हैं. तो स्पेरिकल मिरर्स, पहले हम लोग ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स. ठीक है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसा है. ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये मिरर दोनों बनते कैसे वो देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, ये लाफिंग चैम्बर है. कुछ मिरर्स के साथ ऐसे मतलब कोई ऐसे एंगल्स में रख देते हैं कि मिरर हम लोग का मतलब किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी का फेस चौड़ा, किसी का पतला, ऐसा सब बताता है. ठीक है, तो उससे लोगों को हंसी आती है, तो उसके लिए उसका नाम लाफिंग चैम्बर. एक रूम होता है ऐसा. ठीक है, तो अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा उसमें एंगल अलग से, उसमें कुछ नहीं होता, बस मिरर्स होते हैं. लाफिंग चैम्बर में कुछ नहीं होता, बस मिरर्स होते हैं. उसको बस एक ऐसा मिरर रखा जाता है, इसको एक ऐसा, अलग अलग एंगल में रखा जाता है ताकि अलग अलग रिफ्लेक्शन हो और अलग अलग रिफ्लेक्शन से अलग अलग इमेज फॉर्म हो. ठीक है, सारे बस साइंस के बेसिस पे लाफिंग चैम्बर बनाया होता है पूरा मिरर से. लाफिंग चैम्बर का एक ड्राइंग दिया है यहाँ पे. यू मस्ट हैव सीन द मिरर्स डिस्प्लेड इन द लाफिंग चैम्बर इन द फेयर. फेयर मतलब मेला, मेला गए होंगे तो वहाँ पे लाफिंग चैम्बर के मिरर्स दिखाई दिए होते, बहुत लोग देखे भी हैं, अंदर गए भी हैं.
योर फेस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर, तो आपका चेहरा अजीब डिस्टॉर्टेड मतलब अलग ही हो जाता है, कोई किसी अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई बटला हो जाता है, ठीक है, तो मिरर्स आपके फेस को ऐसा चेंज कर देते हैं. व्हाई डज दिस हैपन, तो ये ऐसा होता क्यों है. दिस मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिरर्स वी हैव एट होम, तो ये जो मिरर्स है वो हम लोग के घर के मिरर्स हैं. हम लोग के घर के मिरर में क्या होता है, हम लोग के घर पे मिरर जो होता है वो है प्लेन मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर से अलग होता है ये सारे मिरर्स, ठीक है. दिस मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिरर्स वी हैव एट होम, दे आर कर्व, ये मिरर्स जो होते हैं ये मिरर कर्व्ड होते हैं. ये मिरर कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड समझते हैं. द इमेजेस फॉर्म बाय कर्व मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स, तो जो इमेज कर्व मिरर से फॉर्म होता है ना, अब जैसे हम लोग ने देखा प्लेन मिरर में देखा कि इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, उसके नेचर क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वैसे ही तो कर्व मिरर्स के भी इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं उसके टाइप्स अलग होते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट सी द फेमिलियर इमेजेस ऑफ दिस मिरर इन दिस मिरर, तो इसकी वजह से कर्व मिरर्स की वजह से उसके इमेजेस के टाइप्स है ना वो भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है, थीके? तो इसके लिए हम लोग का फेस अलग दिखता है. द रेयर व्यू मिरर इन द कार्स विच एनेबल ड्राइवर्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड कर्व मिरर्स, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग कोई कार पे बैठे, कोई तो कभी ना कोई कार या टैक्सी किसी में तो बैठा होगा, तो कार के बाजू में एक ऐसा एक कर्व टाइप होता है और उसमें मिरर होता है, ताकि कार नहीं बाइक्स में भी होते हैं, ठीक है, थीके? उसको रेयर व्यू मिरर कहते हैं. वो इसलिए होता है ताकि हम लोग गाड़ी चला रहे ना, तो पीछे के अगर ये सपोज गाड़ी है तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने पर पीछे कौन कौन से गाड़ियाँ आ रही है हम लोग को ये मिरर से दिखाई देते हैं, ठीक है. अब कोई कोई बोलेगा कि गाड़ी तो इतनी बड़ी होती है तो मिरर में कैसे दिखाई देते हैं, ये मिरर का वही काम है, ये कर्व मिरर है. इससे ये कौन सा मिरर गाड़ी में यूज़ होता है वो हम लोग देखेंगे, आप लोग को पता चल जाएगी ये गाड़ी में हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करते हैं. लेकिन ये मिरर क्या करता है, ये मिरर जो बड़े बड़े इमेजेस है ना कार के उसको छोटे करके हम लोग को दिखाता है पीछे का, ठीक है. तो ऐसे मिरर्स को कर्व मिरर्स कहते हैं. तो ये कर्व मिरर बनता कैसे वो देखते हैं. क्रिएशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स या कर्व मिरर. तो स्पेरिकल मिरर्स में क्या होता है, स्पेरिकल मतलब एक स्फीयर होगा उससे मिरर बना हुआ, ठीक है. इफ़ वी कट अ रबर बॉल, अगर आपके पास एक रबर बॉल है, अगर आप उसको ऐसे पार्ट देखो, ये पूरा एक रबर बॉल है, उसको अगर यहाँ से ऐसा कट कर रहे हो तो कैसा पार्ट, कैसा मतलब डायग्राम बनेगा, कैसा वो बन सकता है वो बॉल का कटिंग पीस, वो अगर आप इमेजिन करोगे तब आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स का समझेगा. अगर इमेजिन भी नहीं कर सकते तो इसको ध्यान से समझो. ये देखो ये एक रबर बॉल है, ये क्या है, ये एक रबर बॉल है सपोज, या एक कुछ भी एक सर्कुलर चीज़ है, उसमें से मैंने इतना पार्ट क्या किया, कट कर दिया. तो देखो कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये अंदर का लेयर है, ये जहाँ पे बी लिखा है वो अंदर का और ये बाहर का है, करेक्ट, कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है. इसी को कॉन्केव भी कहते हैं, इसी को कॉन्वेक्स भी कहते हैं. अब कॉन्केव किसको कहते हैं और कॉन्वेक्स किसको कहते हैं वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जनरली स्पेरिकल मिरर्स आर पार्ट्स ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर, तो ये बॉल का तो पार्ट नहीं होगा क्योंकि स्पेरिकल मिरर्स है, मिरर से तो ग्लास का ही पार्ट होगा. यहाँ पे एक रबर बॉल का एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि जब आप एक रबर बॉल को कट करोगे तब आपको वो शेप मिलेगा, तो शेप के लिए आपको रबर बॉल का एग्जांपल दिया, ठीक है. लेकिन स्पेरिकल मिरर्स रबर बॉल से नहीं बनते, स्पेरिकल मिरर हॉलो ग्लास स्पीयर से बनते, ग्लास के जो स्पीयर्स होते हैं ना, ग्लास के स्पीयर्स उससे बनते हैं. लाइक द पार्ट बी, तो जो पार्ट बी है उसके वैसे स्पीयर से स्पेरिकल मिरर्स बनते हैं. इन द फिगर द इनर और आउटर सर्फेस ऑफ दिस पार्ट इज कोटेड विद अ शाइनी सब्सटेंस, या तो अंदर का पार्ट जहाँ पे बी लिखा है या तो बाहर का पार्ट, दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट को कोट किया जाता है शाइनी सब्सटेंस से टू प्रोड्यूस अ स्पेरिकल मिरर, ताकि एक स्पेरिकल मिरर प्रोड्यूस हो सके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आइदर फ्रॉम इट्स आउटर सर्फेस. रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन या तो अंदर के सर्फेस से रिफ्लेक्ट होता है या तो बाहर के सर्फेस से. थस देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स एज डिस्क्राइब बिलो, तो जब अंदर के सर्फेस से रिफ्लेक्ट होगा तब उसको कौन से मिरर कहते हैं, जब बाहर के सर्फेस से रिफ्लेक्ट होगा तब उसे कौन सा मिरर कहते हैं वो समझेंगे हम लोग, ठीक है. तो देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का दिया है, यहाँ पे मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है. तो कॉन्केव मिरर क्या है, इफ़ द इनर सर्फेस ऑफ द मिरर स्पेरिकल मिरर्स इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर.
तो मैं पहले आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर आपको मैं रीड करके बताती हूँ तो क्लियरली समझेगा। तो यहाँ पे बोला है कि देखो ये हम लोग का डायग्राम है, तो अगर ये डायग्राम में जो ये बी पार्ट है ना, अगर इसमें से अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये बी पार्ट अभी पीछे की चीज़ों को कोट कर दिया, एकदम ओपेक कर दिया है, तो ये पार्ट से रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट रे गिरेंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। और अगर बाहर के पार्ट, ये अंदर के पार्ट को हम लोग ने क्या किया, अंदर के पार्ट को हम लोग ने कवर कर दिया, एक कोट कर दिया, और बाहर के पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा, बाहर का पार्ट पॉलिश्ड है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। ये ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का अगर रिफ्लेक्ट किया ना, ये ब्लैक कलर का पार्ट अगर रिफ्लेक्ट किया तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अगर ये वाइट पार्ट जहाँ पे बी लिखा है वो पार्ट रिफ्लेक्ट किया तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो दोनों स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दोनों के टाइप सेम है, बस अगर बाहर का पार्ट रिफ्लेक्ट करता है ब्लैक वाला तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अगर अंदर का पार्ट रिफ्लेक्ट करता है तो वो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब रीड करके समझते, देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉनकेव मिरर, इफ द इनर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अगर अंदर का स्फेरिकल मिरर के अंदर के सर्फेस अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। इफ द आउटर सर्फेस, आउटर सर्फेस जो ब्लैक कलर का सर्फेस था, वो अगर स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बन गया, रिफ्लेक्ट करने लगा वो पार्ट, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसका डिफरेंस समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, क्या दिया है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स दिए, तो पहला है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ये सब पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, मैं आगे बताऊंगी कि पढ़ना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग को इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। तो पोल क्या होता है समझते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर सर्फेस इज कॉल्ड इट्स पोल। तो सेंटर, एक मिरर का जो सेंटर सर्फेस होता है उसे पोल कहते हैं। सर्फेस बोला है यहाँ पे, मिरर का क्या बोला है, यहाँ पे देखो मिरर का सर्फेस बोला है। तो ये अगर रुको मैं यही डायग्राम बता देती हूँ, तो ये अगर एक मिरर है तो उसका सरफेस कौन सा होगा, उसका सरफेस अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर होगा तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, तो उसका पोल, उसका सरफेस क्या होगा, उसका सरफेस देखो ये बनेगा, उसका सरफेस ये बनेगा, ठीक है। तो सरफेस का जो सेंटर है, सरफेस का, इसमें सरफेस का सेंटर क्या है, ये देखो ये सरफेस का सेंटर है ये पार्ट, तो ये पोल होगा। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स ऐसा होता है, करेक्ट, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, तो उसमें क्या सेंटर होगा, उसमें पोल का सरफेस का सेंटर पी, ये होगा पोल हम लोग का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बताया क्लियरली कि देखो यहाँ पे बोला है कि द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, मिरर का जो सरफेस है, मिरर का सरफेस बोला है, सरफेस समझता है ना, मैंने सरफेस बताया, तो मिरर का जो सरफेस है उसे पोल कहते हैं। अभी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे तो बहुत लोगों को डाउट होने वाला है, अभी तो बहुत इजीली समझ गया होगा कि पोल मिरर ऑफ द सरफेस को कहते हैं, लेकिन जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में आऊँगी तब डाउट होगा कि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तब पहले पोल कंप्लीट कर लेते हैं। पी इज़ द पोल ऑफ द मिरर इन द फिगर 11.7, तो 11.7 फिगर है, इसमें जो पी है ना ये पोल ऑफ द मिरर है। फिर अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हैं, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर हम लोग ने कट किया, जो स्फेरिकल मिरर के लिए जो स्फीयर कट किया हम लोग ने, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, पहले सर्कुलर में नहीं समझते, पहले हम लोग वही डायग्राम में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डायग्राम देखते वही वाला, तो ये मैंने डायग्राम निकाल दिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो ये जो हम लोग का ये जो मिडल पार्ट दिख रहा है ना, जहाँ पे बी लिखा हुआ था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो मिरर है ना, ये पूरा अगर सपोज कॉनकेव मिरर, ये ब्लैक पार्ट को भूल जाओ, ये मिरर सिर्फ अगर सपोज ऐसा रहा, मिरर कैसा रहा, सिर्फ मिरर अगर ऐसा रहा, ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो अगर मिरर सिर्फ ऐसा रहा तो जो ये बीच का पार्ट है ना, मिरर का जो मिडल सेंटर है, मिरर का सेंटर है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो मिरर का सरफेस का सेंटर है, मतलब मिरर ये है, मिरर का सरफेस का सेंटर ये है, तो उसे पोल कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिफरेंस समझो।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर का सेंटर, मिरर जो है ना मिरर का सेंटर, और पोल क्या होता है सरफेस, जो मिरर का सरफेस है उसके बीच का सेंटर, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा है कि अभी आपको समझ गया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये जो मिडल पार्ट है ना, ये मिडल पार्ट हम लोग का क्या होगा, ये मिडल पार्ट जो मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सरफेस का जो मिडल पार्ट होगा उसे पोल कहेंगे। तो ये था दोनों का डिफरेंस। तो इसके बीच में मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज होना ही नहीं है। और ये दोनों ना एक ही लाइन में होते, स्ट्रेट लाइन में होते, क्योंकि ये दोनों सेंटर चीज़ हैं। सरफेस का सेंटर होता है पोल, तो पोल एक जगह पे जो होगा सेंटर भी वही जगह पे होगा, ठीक है। तो दोनों एक एकदम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इतना समझ लो। फिर अभी हम लोग आगे के टॉपिक्स को, टर्म्स को पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे सी जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बता रहा है, रेफर कर रहा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, हम लोग को पता है एक स्फीयर है ऑफ विच मिरर। अब देखो एक स्फीयर क्या होता है, एक सर्कुलर शेप का स्फीयर होता है, उसका बीच का सेंटर सी है स्फीयर का। तो अगर सपोज ये हम लोग का एक सर्कल, सिंपली एक सर्कल मान ले, क्या करें एक सिंपली हम लोग इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के एक सिंपल सा एक सर्कल बोल दे, तो ये सेंटर है सर्कल का और मैंने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ किया। एक सेंटर से सर्कल के सरफेस को अगर एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है तो उसे रेडियस कहते हैं। तो अगर मैंने सी टू ए एक रेडियस ड्रॉ कर लिया तो उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सर्कल जब हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से सरफेस तक का एक लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ये सबको भूल जाओ, इज कॉल्ड द सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे बस इतना ही बताया कि एक स्फीयर का जो रेडियस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताया, रेडियस का जो एक स्फीयर का जो रेडियस होगा जिसमें मिरर एक पार्ट है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन से नहीं समझ रहा है तो समझ लो ये एक सर्कल है जिसमें सेंटर सी है, ए उसका, सी ए उसका रेडियस है, तो उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या, देखो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग ने पोल के बारे में पढ़ा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा। पोल मैंने कहा था, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही लाइन में होते हैं, मैंने बताया था ना। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए एक इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली में ऐसी लाइन नहीं होती लेकिन एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिन करके जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से पास करते हुए जो लाइन, इमेजिनरी लाइन जाती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो टर्म्स को बस समझ के रखो। तो यहाँ पे देखो दिया है प्रिंसिपल फोकस अलग है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन। फिर बता रही हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है। प्रिंसिपल फोकस अलग चीज़ है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस, इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर After reflection from the mirror, meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि incident ray, incident ray मैंने सिखाया था। incident ray क्या होता है, ये mirror है, ये जब देखो ये ऐसे ऐसे lines draw होते हैं ना, ये mirror का reflecting part होता है, ठीक है। तो ये mirror है हम लोग का। तो अब जब principal axis हम लोग ने सीखा, जब principal axis से incident ray क्या होंगे, parallel होंगे, parallel समझते हैं, parallel होंगे, तब क्या होता है, तब रिफ्लेक्ट करता है। जब रिफ्लेक्ट करता है, अब देखो सपोज अगर एक कॉन्केव मिरर है, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है पता है, कि वो फोकस करता है एक जगह पे। कॉन्केव मिरर लाइट रेस को एक जगह पे फोकस करता है। ये जो फोकल पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आगे के जो डायग्राम से उसमें एक्सप्लेन करूँगी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। बस इस बार मैं रीड कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मैंने तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। प्रिंसिपल फोकस क्या है, इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये जो सारी चीज़ें ना प्रिंसिपल फोकस की, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब पढ़ लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अभी हम लोग ने प्रिंसिपल फोकस तो पढ़ा नहीं है,
जब प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे तब हम लोग को फोकल लेंथ भी समझ आएगा। फोकल लेंथ कुछ नहीं, एक डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल के बीच में होता है। इसको समझेंगे, पहले प्रिंसिपल फोकस समझेंगे नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी आंसर हम लोग पीछे करेंगे। तो अगर हम लोग को प्रिंसिपल फोकस समझना है तो इसका जो है ये डायग्राम पेज नंबर 124 में, इसमें देखो क्या दिया है। इसमें दिया है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे हम लोग फोकल लेंथ क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है मैं पहले बता दूँ। कॉन्केव मिरर क्या करता है, जो देखो ये जो लाइट्स ब्लू कलर के लाइट्स दिख रहे हैं ना, रेस ब्लू कलर के रेस, ये सब है इंसिडेंट रे। ये सारे रेस मिरर पे गिर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो ब्लू कलर का ये मिरर है ना, ये मिरर, उसमें सारे रेस गिर रहे हैं। और देखो ये जो रेड कलर के बैक में एक फिर से रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्न हो रहा है। देखो रेड कलर के पिंक कलर या रेड या पिंक जो भी कलर है, वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ये रेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर से। तो एक पॉइंट पे ये मर्ज हो रहा है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर सारे रेस को एक जगह पे फोकस पे लाता है। कॉन्केव मिरर को अगर रखोगे, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि अगर एक पेपर रखोगे नीचे और ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे, ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे और सन के सामने, सन की धूप कॉन्केव मिरर में अब्सॉर्ब होगी और वो पेपर जल जाता है। तो वो क्यों जलता है पता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर सारे लाइट रेस को एक जगह पे कन्वर्ज करता है, फोकस कर देता है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, फोकस करता है। तो ये सारे जो लाइट रेस हुए ना, इंसिडेंट हुए मिरर पे, वो सारे लाइट रेस को कॉन्केव मिरर ने एक जगह पे फोकस कर दिया, उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ कि देखो फोकल पॉइंट वो पॉइंट है, कॉन्केव, ये मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल पॉइंट कुछ इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो मैं वो बताऊँगी। लेकिन देखो ये हम लोग अभी फिर अज्यूम करते हैं, ये क्या हम लोग का मिरर है, ये हम लोग का मिरर हो गया। ये जो ब्लू कलर के रेज है ना, वो इंसिडेंट रेज है, जो रेज क्या बोलते हैं मिरर पे गिर रहे हैं, ठीक है। उससे ये जो पिंक कलर के रेज है वो सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पिंक कलर के रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक पॉइंट पे मैच हो रहे हैं, एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। उसी को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। ये हो गया कॉन्केव मिरर में, क्योंकि कॉन्केव मिरर सारे लाइट रेज, सारे रिफ्लेक्टेड रेज को फोकस करता है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर सारे लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। मतलब अगर ये फोकल पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट रे कर रही हूँ ना, तो वो सारे लाइट रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, एकदम फैलाएगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम दिया हुआ है, मेरे को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग का पी क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब इसके आगे ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, एक सर्कल सा ड्रॉ करूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम देख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड पे कॉन्केव मिरर फॉर्म होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड पे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म होता है। देख सकते हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड पे कॉन्केव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड पे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे मिरर, ये मिरर था, ये उसका सेंटर है। हम लोग को समझ गया ये मिरर है, अगर इसको सर्कल पूरा करेंगे ना तो ये उसका सेंटर दिखेगा। तो ये मिरर है, इसमें सारे लाइट, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये जो सारे ब्लू है ना, वो सारे क्या किए, इंसिडेंट किए राइट ये मिरर पे। तो क्या हुआ, देखो ये सारे रेस क्या किए इसने, सारे रेस गए रिफ्लेक्टेड। अगर हम लोग इसका रिफ्लेक्टेड रेस देखें ना, तो सारे रेस रिफ्लेक्ट हो रहे, सारे रेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे। लेकिन जब हम लोग इस सारे डायरेक्शन को एक पॉइंट पे एक्सटेंड करके देखें ना, तो एक पॉइंट बन रहा है जो है F। वो क्या है, वो हम लोग का फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस है। फोकस कॉन्केव मिरर में क्या करता है, फोकस कॉन्केव मिरर में एक जगह पे लाता है और फिर देखो यहाँ पे एक जगह पे सारे रिफ्लेक्टेड रेस को ला के रख दिया। और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है। प्रिंसिपल फोकस सेम काम कर रहा है कि सारे एक जगह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, ये बस मिरर के पीछे है। तो मेरे को लग रहा है कि ये सब अभी प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हो गया रहेगा। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में, जो क्या करता है, कॉन्केव मिरर के सारे रिफ्लेक्टेड रेस को मर्ज करके एक पॉइंट पे लाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के पीछे एक पॉइंट में जब हम लोग सारे रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मर्ज होता है, ठीक है।
तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ने एक और पॉइंट स्किप किया था जो था फोकल पॉइंट, जो क्या था फोकल पॉइंट, सॉरी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, ये जो हम लोग का पी दिख रहा है, पी पोल है, पी हम लोग का पोल है, ये जो पूरा लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम लोग ने पोल क्या पढ़ा था कि जो सरफेस है मिरर के सरफेस का सेंटर, ठीक है। तो ये पोल और फोकल लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसे फोकल सॉरी प्रिंसिपल फोकस, ये जो हम लोग का प्रिंसिपल फोकस है और पोल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैंने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए होंगे शायद अभी तक, आप मेरे को लग रहा है कि समझ गया होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पीछे चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज स्टार्ट करने वाले थे। तो हम लोग आ गए पेज नंबर 120 में। पेज नंबर 120 में देखो एक डायग्राम दिया है, ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेस। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट एन इंसिडेंट रे विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर में तो ईजी था, अगर एक प्लेन मिरर है तो उसमें अगर परपेंडिकुलरली लाइट रेस, हम लोग को पता है कि लाइट रेस कैसे ट्रैवल करते हैं, परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। तो लाइट रेस अगर परपेंडिकुलर ट्रैवल करेंगे तो रिफ्लेक्टेड भी परपेंडिकुलरली होगा, तो वो हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में पता है। अब हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर में कैसे काम करता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है, इन फिगर 11.8 ये फिगर दिया हुआ है, देखो 11.8 mn इज अ स्फेरिकल मिरर। mn क्या है, mn एक स्फेरिकल मिरर है, देखो mn एक स्फेरिकल मिरर है। अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे और ये मिरर यहाँ पे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा मिरर है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। हम लोग ने देखो डायग्राम में भी देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होता है और कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, समझ लो इसको। तो ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है। रे ए क्यू इज इंसिडेंट ऑन इट, रे ये मिरर पे, रे ए क्यू जो है ना, ए क्यू उस पर इंसिडेंट कर रहा है, रे ए क्यू इंसिडेंट कर रहा है। सी क्यू इज द रेडियस, सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्यू उसका रेडियस हो गया, सी क्यू रेडियस हो गया। देखो इसको अगर मैं सर्कल करूँ, मैं बोली थी अगर मैं इसको सर्कल बनाती हूँ तो सी क्या होगा, उसका सेंटर होगा, तो सी क्यू उसका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। एंड देयरफॉर इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट क्यू, इसलिए सी क्यू जो है मिरर से परपेंडिकुलर है। थस एंगल ए क्यू सी, एंगल ए क्यू सी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो ए क्यू सी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑफ सेम मेजर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, हम लोग को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ पता है, तो हम लोग को लॉ तो पता चल गया। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये ए क्यू इंसिडेंट कर रहा है इसमें, ए क्यू इसमें इंसिडेंट कर रहा है, तो एंगल ए क्यू से ए क्यू सी इंसिडेंस एंगल हो गया। एंगल रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, क्यू बी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग का सी क्यू बी रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल ए क्यू पी सॉरी ए क्यू सी और सी क्यू बी ये दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस इतना ही दिया। फिर नेक्स्ट दिया है, वी कैन स्टडी द इमेजेस प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स। तो इमेजेस कैसे प्रोड्यूस होते स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। इमेजेस स्फेरिकल मिरर्स हम लोग ने देखा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होते, कैसे प्रोड्यूस होते, वो हम लोग पढ़ सकते, वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं कैसे, रे डायग्राम से। अब ये नया रे डायग्राम कहाँ से आ गया, हम वो पढ़ेंगे। ये रे डायग्राम होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके रूल्स तीन ही हैं, इजी है, रे डायग्राम बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। अ रे डायग्राम इज अ डिपिक्शन ऑफ द पाथ टेकन बाय लाइट रेस। तो एक रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम एक डिपिक्ट करता है कि अगर लाइट रे ऐसे पास किया तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप इतना इतना पढ़ाई करोगे तो आपको इतना इतना परसेंटेज मिला, ये मेरा एक मैंने एक मतलब बताया, प्रेडिक्ट किया कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा है। तो इस पे लोग ने स्टडी किया, स्फेरिकल मिरर्स पे स्टडी किया गया और देखा गया कि अगर लाइट रेस कितने डायरेक्शन में जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन कितना होगा स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर्स में लाइट रेस कितने डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये सपोज मिरर है तो अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो लाइट रेस कैसा होगा, और अगर ऊपर से जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब हम ये लोग ने स्टडी किया और उसके बेसिस पे तीन रूल्स निकाले गए।